everyone, assalamu alaikum, namaste, sasriya kal, welcome back to your youtube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada reaction channel. Kaise hain aap log? Aaj hum dekhenge BJP government ne sabki bajar dali, matlab ke sabko jo hai wo sabka kaam tamam kar diya. To khair aaj ka video isi se related hone wala hai, to video ko chalte hain, start kar lete hain aur dekhte hain ke bhai ye different BJP party ke jo log hain इन्होंने क्या गुल खिलाया है. और मीडिया सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से देख सकते हैं. बाकी मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आप तुरंत वो बयान निकलवाएं जो अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में दिया था, जब वो ये कहते हैं कि मैं झूठी फिल्म का पोस्टर भी ना लगाऊं, जब उन्होंने फिल्म को झूठा कहा, ये बयान निकलवाएं जिससे कि हमारे दर्शक मेरे पास बयान है. अरे अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये कहा कि सारे लोग मिलकर कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास पे काम करें. मीनाक्षी जी एक सेकंड, मीनाक्षी जी एक सेकंड, आप एक सेकंड मीनाक्षी जी, इस डिबेट में एक एक करके मीनाक्षी, इन्होंने कहां पे कहा है कि ये झूठी फिल्म है. मैं दर्शकों को और सभी को सुना रहा हूँ ये बात. अरविंद केजरीवाल सुन लीजिए, सुनो. नहीं सुनाने, सुनने क्यों नहीं दे रहे? सुनने क्यों नहीं दे रहे? अरविंद केजरीवाल जी ने एक इंटरव्यू में ये बोला है, सुनने दीजिए, सुनने दीजिए. मैं सुना देता हूँ, मैं सुना देता हूँ मीनाक्षी जी, कश्मीरी मीनाक्षी जी, मैं सुना देता हूँ. पहले इस पर चर्चा होगा, मैं बताऊंगा हमारी सरकार ने क्या किया, मैं बताऊंगा. पहले मैं बयान सुना दूं, मैं सबकी परमिशन से बयान सुना दूं केजरीवाल का. सुन लीजिए पोस्टर भी नहीं लगा. मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे भाजपा के लोग, अब एक सवाल, क्या इन्होंने कहा झूठी फिल्म, क्या केजरीवाल ने झूठी फिल्म कहा? सुन लीजिए, अब बताइए क्यों झूठी कहा केजरीवाल ने, क्यों झूठी कहा? यह बिट्टा केजरीवाल है, यह बिट्टा केजरीवाल है, मैं कहता हूँ डंके की चोट पर. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, झूठा व्यक्ति. इनके दर्द को झूठ बोलेंगे? सच्चाई नहीं होती. अच्छा, इनके दर्द को झूठ बोलेंगे? एक मिनट शहजाद जी, आप भी शांत हो जाएं. मैं बहुत क्लैरिटी से आपसे एक पक्ष जानना चाह रही हूँ. अगर आप ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास होना चाहिए, तो जितने यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग ऑडियंस, सब ये कहेंगे कि हाँ होना चाहिए. लेकिन कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए पंडितों के दर्द को अगर आप झूठ कहेंगे, तो अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने, दिल्ली में 500 बोलने दे, भूपेंद्र की बात बीजेपी वाले बताए, इन्होंने अपने हर साल पंडितों का किसी एक पंडित को घाटी में बसाया, गिरवाने के लिए पांच काम गिरवाने के लिए. तीन काम से भारतीय जनता पार्टी का मैनोफेस्टो सुनता, ठीक है, आप नहीं, ठीक, शांत. हम इन्होंने तो रोहिंग्या बसा दिए. अरे रोहिंग्या बसा दिए भूपेंद्र प्लीज. अरे अरविंद केजरीवाल जी को केंद्र की सत्ता दे दो, देखो हम कैसे बसा दो. केंद्र की सत्ता दे दो, मुझे सत्ता दे दो, ये इनकी मंशा है, ये इनकी मंशा है, केंद्र की सत्ता दे दो. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने झूठी फिल्म कहा, इनको माफ मत कीजिएगा. नहीं, पर ये नागरिकता क्यों इंपॉर्टेंट होगी? नहीं, जानना चाहता ना, नहीं जानना चाहता. मैं 20 सेकंड लूंगा और 20 सेकंड में अपने बात को समाप्त करूंगा, इसको ध्यान से सुनिए. 70 साल में हिंदुस्तान की राजनीति चली है, 70 सालों में हर बच्चा हिंदुस्तान का जानता है कि हिंदुस्तान में अवैध घुसपैठिए आए हैं. कभी पार्लियामेंट में इनकी सरकार ने कहा 2 करोड़, कभी कहा कि संख्या पता नहीं, कभी हमारी सरकार ने कुछ करोड़ कहा, कभी कहा संख्या पता नहीं. देश जानता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं. देश यह भी जानता है कि जो हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, जैन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में है, उनकी प्रताड़ना होती. 70 सालों में इन विषयों पे चर्चा हो रही थी, किसी को करने की हिम्मत नहीं थी.
कि कौन इस चीज को छुएगा। सबको अमृत पीना है खाली, कि समुद्र मंथन हो, लाओ मैं अमृत पी लूं। ये हलाहल कौन पिएगा? शिव कौन बनेगा? शंकर कौन बनेगा? आज मैं कहता हूं, हिम्मत दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने। आर्टिकल 376 कौन छुएगा? कोई नहीं छुएगा। रोज पूछेंगे, बताओ कब हटाओगे, बताओ कब हटाओगे। हटा दिया तो हटा दिया, हटा दिया। और सुनिए 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 सुनिए, मंदिर राम मंदिर पे रोज, अरे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब बता दिया तो अच्छा, मंदिर बना दिया। और अब बांग्लादेशी भगाओ, बांग्लादेशी भगाओ। अब भगाएंगे, सीना ठोक के बांग्लादेशियों को जो घुसपैठिया बनाए थे भगाएंगे। ये 303 सीट, ये 303 सीट मच्छर मारने के नहीं मिला है, ये 303 सीट देश सुधारने के लिए मिला है। और जो 70 सालों से ये लोग दबा के नीचे बैठे हुए थे अंगठी के नीचे, उसे ठीक करेंगे। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले औसम मौसम। देखिए हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये जो बोल रहे थे जनाब ओवैसी साहब, ये जाकर सबसे पहले क्या बोले थे यूपी में? आपने जनाब गिरिराज सिंह को सुना कि नहीं? हम बता रहे हैं, उन्होंने क्या बोला था? इनकी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, और वह सेकुलरिज्म के लिए समर्पित है। यदि देश का प्रधानमंत्री कहता था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वो सेकुलरिज्म को समर्पित है। यदि जिस जमाने में कश्मीर में मस्जिदों से भीड़ निकलती थी, अभी हमारे दौर की बात है 2019 से पहले, जुमे की नमाज के बाद, और जाके किसी भी इंस्पेक्टर आयु पंडित जैसे व्यक्ति को कत्ल कर देती थी, वो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। अब दक्षिण का बताता हूं, तमिलनाडु जिले का, तमिलनाडु स्टेट का पेरम्बूर जिला, उसमें कोलतार गांव 70% आबादी मुस्लिमों की हो गई, तो उन्होंने कहा मंदिर में पूजा बंद कर दीजिए, घंटा बंद कर दीजिए, हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक बोला हो तो बोलिए, बल्कि तमिलनाडु की सरकार ने मान लिया। फिर मद्रास हाईकोर्ट बीच में आया, उसने कहा यह कोई आधार नहीं बनता कि 70% हो गए इसलिए। अब ये बताइए, ये आग दिखाई नहीं पड़ती थी? और जब आग इस सीमा तक हो, जो बात मैं बोल रहा हूं, पहले भी बोल चुका हूं, 2014 से पहले भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। चूंकि अगर ऐसा नहीं है तो मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, एक नॉन मुस्लिम स्टेट बताइए जहां शरिया के प्रावधान को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी प्राप्त हो। जो शाबानो केस में अगर शरिया के खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट, तो संविधान में संशोधन करके पलट दिया गया, हलाला हो, महरम हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सब के सब संवैधानिक दर्जा प्राप्त थे। अगर किसी को आपत्ति को सेक्युलर देश बता दीजिए जिसमें ये सब चीजों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त। आप बताइए आग कहां पे थी? लेकिन ये जो गिरिराज जी कह रहे थे उस पर आपने कुछ नहीं कहा। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है? आप एक बार देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं, अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशदम मोहम्मद और रसूल अल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है, घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है, मतलब अजान से प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूँ, लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना, बता रहा हूँ, सुनिए तो। घूम फिर के क्यों पहुंच रहे हैं? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहेंगे मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम। इफ यू थिंक यू आर बैड, आई एम योर डैड। देखिए आदिति जी, पहले तो आपत्ति दर्ज करता हूं, आप ही के चैनल पे यही महिला कुछ दिन पहले कह रही थी तेरे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है, आज कह रही है पागल हो, दूसरे लोगों को कह रही है हमारे जूते की तुम जो है धूल नहीं हो, और कह रही है मेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है, तुम्हारी क्या औकात। मैं इतना ही कहूँगा, जिसकी औकात होती है ना वो चैनल पे आके नहीं बोलता मेरी औकात बहुत है और तुम्हारी औकात कम। सभ्यता ये कहती है कि अपनी बातों में जान लाइए। और एक सवाल पूरे कार्यक्रम में हमने पूछा, जो अंतरिम आदेश है वो आप मानेंगी या नहीं मानेंगी, ये लोकतंत्र जो है संविधान से चलेगा या शरीयत से? इन्होंने उत्तर नहीं दिया, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि अंदर से ये जानती है गलत है। और मैं कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे समर्थक है उनको सुन रहा था। देखिए प्रियंका वाड्रा गांधी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा बिकनी भी पहन सकती है, स्कूल कॉलेज में बिकनी नहीं पहनी जाती है, अनुशासन की बात है, समानता की बात है। और ये तो वो कांग्रेस पार्टी है
शांत हो जाइए, अब तिबारी में बोलिए, तिबारी आपको ध्यान से सुना हमने। सुनिए, ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है अदिति जी, शाहबानो 65 साल की महिला, उसको मेंटेनेंस मिल गया था तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इन्होंने पलट दिया था कि भाई मौलानाओं का वोट चला जाएगा, ये तो चाहते हैं कि हमारी मुस्लिम महिलाएं अंधकार में रहें। लेकिन याद रखिएगा, मोदी जी नामक रोशनी अब आ गई है, कांग्रेस पार्टी का ये जो अंधकार रूपी ब्लैक होल है ये खत्म होने वाला है। और एक बात सिर्फ और कह दूं, आपने मुसलमानों को हमेशा ठगा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस पार्टी ने ठगा नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। 2006 में सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई, 8 साल आपने कुछ नहीं किया, आपने कहा उनको आरक्षण देंगे जो कि संवैधानिक नहीं है, लेकिन ठगने के लिए बोल दिया। आज कर्नाटका उच्च न्यायालय तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत, खाता ना बही, जो देश का संविधान और न्यायालय कहे वही सही। आप लोग भीड़तंत्र की ताकत से इस देश को दबाना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं लोकतंत्र की ताकत जानिए, जिस दिन जो सहिष्णु लोग हैं वो लोग निकले ना बाहर, आप मच्छर की तरह भाग जाएंगे, समझ लीजिए। ये भीड़ तंत्र मत दिखाइए, एजिटेशन नहीं होता जब न्यायालय में न्यायालय में आपका आस्था नहीं है। रोशनी जी आपसे एक सवाल है, आप न्यायालय में आस्था नहीं रखती है क्या? राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं 2014 से पहले, वो इंदिरा गांधी ने लोकतांत्रिक देश जो हुआ करता था ना आपातकाल लगा के खत्म करने का प्रयास किया और लोगों ने गांधी परिवार को खत्म कर दिया। रोशनी जी, गांधी परिवार क्यों खत्म हुआ? इसीलिए हुआ, ट्रिपल तलाक का वो अपराध बनाया, आप तो आपत्ति दर्ज कर रही थी, ट्रिपल तलाक के मामले कम हो गए। कांग्रेस पार्टी में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है अदिति जी, अपना प्रवक्ता भेज दे चैनल पे आपके। अदिति जी एक शेरनी है, कांग्रेस पार्टी एक चूहा है, कांग्रेस पार्टी अपना प्रवक्ता जी न्यूज पे नहीं भेज सकती, बताइए ये हाल। एक सेकंड, अरे अपनी पार्टी से कहिए पहले प्रवक्ता भेजे, लेवल पर बहस करें, एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ आप कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी हितैषी है, अपना प्रवक्ता पहले भिजवा दीजिएगा या खुद बन के आ जाइए। रोशनी जी 11 तारीख की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 11 तारीख की तस्वीरें। अरे आप जैसे ही भोपली प्रवक्ता भी नहीं देखी, भोपली प्रवक्ता है आप क्या? प्लीज एक सेकंड, नहीं ये क्या व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है, आप भोपली प्रवक्ता है, मैं आपके बारे में गलत बोलूं आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आप बोलता हूँ पप्पू एक ही पप्पू है, पूरे देश में एक ही पप्पू है, 51 साल का परिपक्व बालक राहुल गांधी। अरे पप्पू, पप्पू से जाके कहिएगा पप्पू की प्रवक्ता, उस गुब्बारे की हवा निकल गई है, पप्पू की प्रवक्ता। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये हमारा आज का वीडियो, जिसमें जो है वो आजकल आपको पता ही है कि जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट काफी छाई हुई है और इनके पास एक से बढ़कर एक जो है वो आपको मिलेगा बंदा, जो दूसरों को रोस्ट करने में, अपनी डिबेट के बीच में रोस्ट करने में कहीं नहीं जाते। वैसे मुझे तो समझ नहीं आती कि ये जो मेजर गौरव आर्या जी हैं ये बीजेपी पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, मतलब ये भी सबको पीछे छोड़ देते हैं और सबकी सही क्लास लगा देते हैं। तो आई थिंक कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने सही चुन चुन के लोगों को अपने पास रखा है और जो भी आया है सही वाला तेज और तगड़ा आया है। तो खैर बात यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स पे की गई है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जिनमें से मुझे एक टॉपिक जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और मतलब कि इसमें हम कश्मीर के ऊपर बात की गई है। तो कश्मीर का ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीरी पंडित के ऊपर इन्होंने ये कोई कहा है कि शायद वो फेक है या गलत है या फिर उसमें झूठ है, कुछ इस तरह की शायद मूवी के ऊपर मेरे ख्याल से बात की गई है। तो मैंने मूवी तो अब तक नहीं देखी है तो मुझे नहीं पता भाई किस हद तक सच्चा है किस तरह, लेकिन मैंने जो रिव्यूज सुने हैं लोगों के और जो उस टाइम पर कश्मीरी पंडित का जब जेनोसाइड हुआ था उस टाइम पर जब ये सब कुछ हुआ था उस टाइम पर लोग जो जिन्होंने ये सब कुछ फेस किया था रियल लाइफ में, तो उन लोगों के
बकौल वो कहना ये है कि हाँ ये बिल्कुल एक्यूरेट है और सेम टू सेम वही है। और इसके अलावा मूवी देखने के बाद लोगों ने भी रिव्यू दिया तो उससे यही आइडिया होता है कि भाई एक्यूरेट है और लोग इस पर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुए थे और बहुत ज़्यादा रोए भी थे, जज्बाती हो गए थे। तो जाहिर सी बात है फिर सही है तो फिर ये लोग कैसे बोल सकते हैं कि फेक है या झूठ है, तो ये मुझे बात समझ नहीं आई है। तो गाइस अगर आपने देखा है तो मुझे बताओ कि भाई इसमें कहाँ तक सच्चा है और कहाँ तक झूठ है, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से जानकर। और उसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसपे बात की गई है, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश की बात की गई है कि बांग्लादेश में जो है ना लोग आए थे और उन्होंने आकर यहाँ पर भारत में जो है वो अपनी जगह बना ली, क्योंकि बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर लगता है, तो उसके ऊपर इन्होंने जो है वो वहाँ पर रहे हैं और सारा कुछ मतलब कि अब वहाँ से जाते नहीं हैं। तो काफ़ी अच्छी तादाद में उस टाइम पर लोग आए थे, तो अब जो है देखते हैं कि भाई क्या होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ना ये लोग निकाल के ही दम लेंगे, क्योंकि जो है ना वो बांग्लादेश की काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन भारत में बैठी हुई है बंगाल साइड पे, लेकिन यह है कि आने वाले वक्त में जिस तरह के इनके स्टेटमेंट्स लग रहे हैं मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इनको जो है ना टाटा बाय बाय कर देंगे ये लोग। तो गाइज आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और जो है ना मतलब काफ़ी लंबा अरसा हो गया कि वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं भारत में और वापस जाने का नाम ही ले रहे, मतलब अपनी कंट्री में जाएं ताकि भारत में पॉपुलेशन थोड़ी कम हो, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों लोगों के पास और फूड वगैरह हर चीज़ जो है उसमें दिक्कत ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जाहिर सी बात है आप ऑलरेडी भारत में इतनी पॉपुलेशन है, ऊपर से फिर दूसरी कंट्री के भी लोग आके वहाँ पर बैठ गए हैं, तो ये तो एक हिसाब का कब्जा माफिया हो गया है। तो ऐसे भी मुझे नहीं लगता कानून के मुताबिक इस तरह की कोई चीज़ होगी कि मतलब कि जो 1947 से पहले या 47 के दौरान जो लोग थे आना जाना जिन्होंने किया उनको शायद नेशनैलिटी इंडिया की मिल गई हो या मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1947 के बाद से जो लोग आए हैं तो उन लोगों को इस पर यहाँ पर कोई नेशनैलिटी का कोई चांसेस हैं उनके। तो खैर वो तो हम देखेंगे इंडियन कोई एक्ट है इस हिसाब से कि नहीं, तो वो तो आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, एक से बढ़कर एक बीजेपी पार्टी से लोग हैं यहाँ पर, अयोध्या के ऊपर भी बात की, मंदिर के ऊपर बात की है और मतलब मुस्लिम्स के ऊपर बात की, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की, लेकिन ये मेन टॉपिक थे जो कि मुझे लगे कि ये काफ़ी जो है ना मेन वाले टॉपिक्स हैं जिन पर इन्होंने सही वाला डिस्कशन किया है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। We'll be right back.